जिला प्रशासन एवं चुनाव आयोग के लाख चेतावनी के बावजूद भी प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को अपने पक्ष में लुभाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। वही कहीं और पूरी बुनिया तो कहीं मुर्गा भात का भोज दिया जा रहा है तो कहीं चीज सामान बांटे जा रहे हैं। हालांकि इस बीच प्रशासन को जब जब सूचना मिल रही है कार्रवाई भी हो रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार की अहले सुबह सिमरी पुलिस को एक बड़ी सफलता तब हासिल हुई जब स्थानीय थाना क्षेत्र के पर्डी पंचायत अंतर्गत स्थित पंचायत भवन के पास सैकड़ों चापाकल लदे एक पिकअप वैन को स्थानीय युवाओं द्वारा युवा नेता राजा तिवारी के नेतृत्व में पकड़कर इसकी सूचना डुमराव एसडीएम को कुमार पंकज एवं डुमराव डीएसपी श्रीराज को दी गई, जिसके बाद इस मामले में त्वरित संज्ञान लेते हुए दोनों वरीय पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई शुरू कर सिमरी पुलिस के माध्यम से पिकअप को जब्त कराया गया। वहीं उक्त गाड़ी पर पड़वी पंचायत के निवर्तमान मुखिया और मीला देवी पति सरोज तिवारी का पोस्टर भी बरामद हुए हैं, जिसको पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी चापाकल निवर्तमान मुखिया द्वारा पड़वी पंचायत के मतदाताओं में बांटने के लिए आरा से मंगवाया गया था। वही डुमराव एसडीएम कुमार पंकज के निर्देश पर पिकअप को जब्त कर थाना परिसर में लगा दिया गया है। विदित हो कि सूबे में आदर्श आचार संहिता लागू है, इस दौरान ना तो कोई योजना चालू रहेंगे और ना ही प्रत्याशियों मतदाताओं में कुछ वस्तुओं का वितरण करेंगे। यदि ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया जाएगा। गुलशन सिंह की रिपोर्ट, सिटी न्यूज बक्सर से। वेद प्रकाश तिवारी के हवे मुखिया जी का नहीं हो? मुखिया जी के कौन? मुखिया जी के सरोज तिवारी। सरोज तिवारी वह मतलब उनका तो फोटो गाड़ी पर लागल बा, उनके गाड़ी है ना? गाड़ी तो लक्ष्मण तिवारी का, वो तो किराए पर गेल हुई, किराए पर गेल बे गाड़ी ना। अच्छा, मुखिया जी के आदमी रहले है ना? हां ठीक।